अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बीते दिन की यादें बंजर, अब आगे खुशियों का मंजर, रिश्ते नातों की बदलिया है, ओढ़े प्रीत रुपहला, अंगना प्यार दुलार भरा, बनूंगी दुल्हन सगुन करा, सावन सावन हरा हरा, फिर भी मन है डरा डरा, तेरी चाहत के बाग लगे पाँव में, पलकों की छाँव में, हो पलकों की छाँव में। भाभी, मैं सारी रात नहीं सो पाया, घर जाने का एक्साइटमेंट इतना था कि बस सुबह होने का इंतजार करता रहा। करण, हम तुम्हारी दिल की हालत समझते हैं। सच कहे तो हम भी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब तुम अपने परिवार से मिलोगे, सुमन से मिलोगे। एक मिनट भाभी, मैं थोड़ा सा चलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे थोड़ा सहारा देकर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ। करण, संभाल के। लगी तो नहीं, उठो। करण, अब चलो, चल के थोड़ी देर बैठ जाओ। भाभी, अब देखना, मैं बहुत जल्द अच्छी तरह से चलने के काबिल हो जाऊंगा। बिल्कुल करण, हम भी यही चाहते हैं कि तुम जल्दी से चलने लग जाओ। अपनी सुमन के लिए तुम्हें ये करना ही होगा। भाभी, मैं सुमन के लिए ही तो मौत के मुंह से लौट के आया हूं। देखना भाभी, अब एक पल के लिए भी मैं सुमन का साथ नहीं छोड़ूंगा। हमेशा उसे अपनी नजरों के सामने रखूंगा। अच्छा भाभी, हमारी फ्लाइट कितने बजे की है? 4 बजे। बहू, भाई शादी का मुहूर्त 4 बजे का निकला है और 12 तो बज चुके हैं, जल्दी से हल्दी की रस्म शुरू करो। जी अम्मा। पंडित जी, शुरू कीजिए। जी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुण रुद्रजय मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरी चंदनसि महत्पूर्णं चंदन पापनाशनं आपदा हरति नित्यं सौभाग्यं वर्धते सदा। ठाकुर साहब, अब रश्मि शुरू कराइए। Thank you.
सुमन बिटिया, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें तुम जैसी बहू मिली। अच्छी किस्मत तो ये लिखवा कर लाई है ऊपर वाले से, वरना इतना हंगामा करने के बाद भी आज ये इस घर की बहू बनने जा रही है। अम्मा, इसे कहते हैं कहानी किस्मत की। कोई और होता तो कब कब बाहर कर दिया होता। किसी पर उंगली उठाने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिएगा विद्या जी, आपने इस घर में जो जो हंगामे किए ना वो सब जानते हैं, और कायदे से आपको इस घर की चौकट पर कदम रखने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर हम इस घर की बेटी का मान रख रहे हैं तो आप भी इस घर की होने वाली बहू का मान रखिएगा। कंचन बेटा, हल्दी अच्छे से लगाना। जी मम्मी। पापा, हमने आपसे कहा ना कि हम करण को सही समय पर ले आएंगे। वो सही समय आ गया है पापा। हाँ, हम करण को आज ही वापस ले आ रहे हैं। करण, चले, फ्लाइट का टाइम हो गया है। भाभी, बहुत बच्चों जैसा लग रहा है ना। करण, कोई भी तोहफा जो प्यार से बनाया जाता है वो कभी बच्चों जैसा नहीं होता। और फिर ये कोई कागज का दिल थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारा प्यार भरा दिल है जो तुम सुमन को देने जा रहे हो। करण, हम तुम्हारी तरफ से सुमन के लिए साड़ी लाए थे। वैसे तो हमने सोचा कि हम वहीं पहुंच कर तुम्हें दे, पर तुम्हारी ये बेसब्जी देखकर हमें लग रहा है कि हम अभी तुम्हें दे देते। सुमन को प्यार से अपने हाथ से ही देना। कैसी लगी हमारी पसंद? भाभी, बहुत अच्छी। भाभी, मैं सुमन को अपने दिल की बात इसी दिल के जरिए कहूंगा। और सुमन तुम्हारे दिल की हर बात समझेगी। अच्छा करण, फ्लाइट मिस करनी है क्या? नहीं नहीं, चलिए चलिए चलिए। मेरी तरफ से मेरी होने वाली दुल्हन को मेरा प्यार भरा तोहफा।
बेटा तुम लोग आ गए? भाभी ये आप मुझे कहाँ ले आए? किसका घर है ये? करण ये हमारा घर है। बेटा नंदिनी ने मुझे बताया था कि तुम कैसे इसे मनाली के हॉस्पिटल में बेसुध पड़े हुए मिले थे। हाँ पापा, और हम करण को हवेली इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि हम चाहते थे कि करण जब अपनी प्यारी पत्नी सुमन से मिले तो इस हालत में नहीं, जरा सज धज कर मिले। क्यों करण, सही कह रहे हैं ना हम? ठीक है भाभी, तो मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, फिर हवेली चलेंगे। चल। बेटा बहुत प्यारी लग रही हो तुम, कार्तिक भैया तो तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। किसी की नजर ना लगे। अब जरा दूल्हे राजा को भी देखकर आऊं, वो तैयार हुआ या नहीं। तुम लोग सुमन के पास ही रहना। हाँ ऐसे क्या देख रही हूं मां? मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। मेरा बेटा तो राजकुमार लग रहा है। तेरे चेहरे पर ये मुस्कुराहट देख रही थी बेटा, और ये मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गई थी मैं। भगवान इसे हमेशा बनाए रखे। नई जिंदगी मुबारक हो बेटा, खुश रहो। भाभी एक मिनट। अरे वाह करण, तुम तो कमाल लग रहे हो। और अगर सुमन ये स्माइल देखेगी तो फिदा हो जाएगी। किसी की नजर ना लगे। अच्छा भाभी अब चले। चलो ना। अरे एक मिनट, हम तो कुछ भूल ही गए। बस तुम एक मिनट यहाँ रुको, हम अभी आते हैं। एक मिनट, बस एक मिनट। भाभी भाभी प्लीज। पापा वो हम क्या सोच रहे थे ना कि
करण अब भी हमें कमजोर लग रहा है, तो हम सोच रहे थे कि हमें थोड़ी देर उसे आराम करने देना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस हालत में उसे हवेली लेके गए तो कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से इतनी एक्साइटमेंट वो झेल ना पाए। अब हम ठीक कह रहे हैं ना पापा? ठीक है बेटा। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि अभी हम हवेली चले जाते हैं और बाद में आप करण को लेके आ जाइए। कार्तिक भाई, आज हम बराती नहीं घराती हैं। हाँ, हम सब के सब सुमन की तरफ से हैं आज। और मैं सुमन की माँ होने के नाते दूल्हे की आरती उतारूंगी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्य हो जाए तो स्त्रोत्रादवायुष प्राणेश मुखादग्नि जायत। सुनो, तुम जाओ और करण को चाय कॉफी पिलाओ और कहो कि मैं बस 5-10 मिनट में आकर उसे मिलता हूं। करण भैया, मालिक करण भैया घर में नहीं है। ठीक है, तुम जाओ। ड्राइवर, ओंकारेश्वर में ठाकुर सूर्य प्रताप की हवेली चलोगे? जी जी, बैठिए। ड्राइवर जरा जल्दी चलना, बहुत जरूरी काम है। जी साहब। सारा आशीर्वाद बड़े पोते को ही देंगे दादाजी।